ग्वालियर में DRDE BSL-4 लैब बनने के बाद भारत बायोलॉजिकल एवं केमिकल सुरक्षा और अनुसंधान एवं आत्मनिर्भर बन जाएगा। दोनों ही क्षेत्रों में डिटेक्शन संबंधी अनुसंधान एवं बायो डिटेक्टर संबंधी अनुसंधान भी अब लैब में किए जाएंगे। इसके लिए 400 करोड़ की लागत वाला BSL-4 का शिलान्यास मंगलवार को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्चुअली रूप में से किया है। भोपाल में उनके बटन दबाते ही यहां शिलान्यास हुआ। इस लैब में कोरोना जैसे सूक्ष्म जीव पर अनुसंधान किया जा सकेगा। इससे देश में ग्वालियर का नाम होगा और ग्वालियर से DRDO की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना की महाराजपुरा साइट पर एक विश्व स्तरीय BSL-4 प्रयोगशाला और शिलान्यास मंगलवार को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। राष्ट्रपति राजभवन भोपाल के कार्यक्रम स्थल पर दूरस्थ माध्यम द्वारा ग्वालियर स्थित प्रयोगशाला का शिलान्यास किया। इस अवसर पर भोपाल के राज्यपाल मंगूबाई पटेल एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा DRDO के महानिदेशक डॉक्टर UK सिंह मौजूद रहे। यहाँ महाराजपुर ग्वालियर स्थित साइट पर DRDO के निदेशक डॉक्टर मनमोहन परीदा और वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ साथ ग्वालियर के सांसद विवेक शेजवलकर, पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल एवं रमेश अग्रवाल, ग्वालियर के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, कमिश्नर नगर निगम किशोर कन्याल, CEO जिला पंचायत आशीष तिवारी भी विशेष रूप से मौजूद रहे। DRDO की BSL-4 लैब में अनुसंधान कक्ष में सुरक्षा 3 लेयर की होगी, मतलब लैब में रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट को 3 गेट से होकर गुजरना होगा। सभी गेट ग्लास व फाइबर से बने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब लैब में जिन सूक्ष्म जीव का अनुसंधान होगा वह बहुत ही खतरनाक होंगे। किसी तरह वहां से कोई वायरस बाहर निकलता है तो यह हवा के साथ तेजी से फैल सकता है। ऐसे अभी हाल में कोरोना समय में खबरों में सुनाई दिया था कि चीन में किसी शहर में कोरोना पर अनुसंधान करते समय वायरस फैल गया था और उसके बाद काफी बुरे परिणाम सामने आए थे। BSL-4 लैब देश की पहली आधुनिक बायोलॉजिकल सेफ्टी लैब होगी। यह लैब अमेरिका, रूस एवं चीन के समक्ष होगी। ऐसी आधुनिक सुविधाओं वाली लैब अभी भारत में कोई नहीं है। अभी देश में पुणे स्थित बायोलॉजिकल लैब ही सबसे आधुनिक है, लेकिन इस लैब में उपकरण काफी पुराने हैं। ग्वालियर की नई लैब में आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। लैब को 3 लेयर सिक्योरिटी में बनाया जाएगा। इस लैब में विशेष अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक एक विशेष सुरक्षित सूट पहनकर ही प्रवेश कर सकेंगे। इस लैब में हवा व प्रकाश का भी प्रवेश नहीं होगा। लैब के अंदर हवा फिल्टर होकर ही प्रवेश करेगी और लैब से बाहर भी हवा फिल्टर होकर ही निकलेगी। लैब में इमरजेंसी एग्जिट भी रहेगा। इस आधुनिक लैब में सभी तरह के बैक्टीरिया एवं वायरस पर रिसर्च तत्परता एवं सुरक्षा में किया जा सकेगा। DRDO की ओर से बताया गया है कि स्वतंत्रता के 75वें अमृत उत्सव में देश के जैव एवं रासायनिक सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। DRDO की नई लैब इस दिशा में काम करेगी। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।